Oh, and welcome to the live teleconferencing sessions that is going on for the Diploma Program in Early Childhood Care and Education. हम कोर्स वन यानी ऑर्गेनाइजिंग चाइल्ड केयर सर्विसेज के ऊपर टेलीकॉन्फ्रेंसिंग सेशन ख़त्म कर चुके हैं, उसके असाइनमेंट्स भी डिस्कस कर चुके हैं. आज से हम DECE2 यानी चाइल्ड हेल्थ एंड न्यूट्रिशन का कोर्स शुरू करेंगे. मुझे था कि आज मैं आप लोगों को गूगल फॉर्म वो बता पाऊँगी जो आप मैं चाहती हूँ कि सभी लर्नर्स भरें और उसके बाद हम अपना प्रोजेक्ट वर्क शुरू करें, परंतु किसी कारण आज वो तैयार नहीं हो पाया है गूगल फॉर्म, तो कल तक वो हम तैयार कर पाएंगे और कल टेलीकॉन्फ्रेंसिंग सेशन में उसको डिस्कस करके आप सभी के फ़ोन्स पे वो गूगल फॉर्म का लिंक जाएगा जो आप भरेंगे. तो वो बात हम कल शुरू करेंगे दोबारा. आज अभी हम DECE2 यानी चाइल्ड हेल्थ एंड न्यूट्रिशन के ऊपर अपना टेलीकॉन्फ्रेंसिंग शुरू करते हैं. इसमें हमारे पास टोटल 8 ब्लॉक्स हैं और 8 ब्लॉक्स में हमारे पास लगभग 30 प्लस यूनिट्स हैं. तो कोशिश करते हुए कि आज के दिन में 2 यूनिट्स को ख़त्म करते हुए हम आगे अपना पढ़ाई जारी रखते हैं. बीच में कभी जब थोड़ा सा पढ़ाई हो जाएगी तो मैं जो DECE2 के असाइनमेंट है जिसकी सबमिशन की डेट हमने फरवरी रखी है उसके बारे में बात कर लेंगे. परंतु अभी शुरू करते हैं यूनिट नंबर 1, ब्लॉक नंबर 1, यूनिट नंबर 1. आप सभी कॉल्स दे सकते हैं, तो 20-25 मिनट के बाद आप लोग अपना कॉल्स देना. कुछ पूछना चाहें या कुछ बात करना चाहें, पुराने कोर्स के ऊपर भी कुछ बात करना चाहें तो कर सकते हैं. तो यूनिट नंबर 1 हमारा है कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूट्रिशन. इसके अंतर्गत, इस यूनिट के अंतर्गत आप अगर जैसे देखें ऑब्जेक्टिव्स जो हैं, हम इन शब्दों से परिचित होंगे. फूड किसको कहते हैं, न्यूट्रिएंट क्या है और न्यूट्रिशन से क्या तात्पर्य है, खाने के फंक्शंस, फूड के फंक्शंस क्या हैं. हम खाते तो हैं जिंदा रहने के लिए, पर इसके अलावा भी क्या कोई फूड हमारे फंक्शंस करता है. और हम ये हल्का सा ये समझ पाएंगे, ज़्यादा गहराई में नहीं, कि फूड को किस प्रकार बॉडी जो है वो यूटिलाइज करती है. खाने का केवल मकसद केवल खाना ही नहीं है, खाने से बहुत सामाजिक और हमारे कल्चरल, मनोवैज्ञानिक और आर्थिक पहलू जुड़े हुए हैं, उनके ऊपर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे. और खाने, फूड, हेल्थ और डिजीज़ के बीच में क्या इंटर रिलेशनशिप है, क्या खाना व्यक्ति का स्वास्थ्य और बीमारी इसके अंदर क्या रिलेशनशिप है, ये समझेंगे. तो बहुत कुछ कई बातें हैं जो हमें पता ही हैं इस कोर्स के तहत, परंतु उनको हम और एक वैज्ञानिक ढंग से पढ़ेंगे इस कोर्स के अंतर्गत. और कई हम लोगों की अपनी थोड़ी धारणाएं होती हैं जो शायद पूरी तरह खरी नहीं उतरती हैं खाने से संबंधित, या छोटे बच्चों को खाना खिलाने से संबंधित, तो उन पर भी जहाँ तक संभव हो सकेगा हम चर्चा करेंगे. तो पहले तो देखें कि फूड की क्या परिभाषा है, खाने की क्या किसी भी खाद्य पदार्थ की क्या परिभाषा है. तो कोई भी ऐसी वस्तु जो हमारी बॉडी को पोषण प्रदान करती है, पोषित करती है, वह खाना कहलाती है. और इसमें सॉलिड, सेमी सॉलिड या लिक्विड, ये सभी शामिल हैं. और जो भी कोई ऐसी चीज़ जिसको हम खा सकते हैं और हमें स्वस्थ रखने में जिसका हाथ है. अब स्वस्थता की भी जो डेफिनेशन है ये हम समझेंगे. स्वस्थता क्या केवल शारीरिक रोग का ना होना है या इसमें कुछ और बातें भी सम्मिलित हैं, ये भी इस बात पे हम चर्चा करेंगे. तो खाने की ये परिभाषा देखने के बाद आइए देखें कि फूड के कार्य क्या हैं, खाद्य पदार्थ के कार्य क्या क्या हैं. तो सबसे पहला फंक्शन तो फूड का जो है वो है फिजियोलॉजिकल, यानी हमारी शारीरिक क्रियाओं से संबंधित. अब इसके अंदर भी, फिजियोलॉजिकल फंक्शन के अंदर भी हमारे चार मुख्य फंक्शन हैं. ऊर्जा प्रदान करना, एनर्जी गिविंग, शरीर का निर्माण करना, बॉडी बिल्डिंग, शरीर को सुरक्षात्मक तरीके से उसका रक्षा करना यानी प्रोटेक्टिव, और रेगुलेटरी फंक्शन यानी शरीर की विभिन्न क्रियाओं को रेगुलेट करने का फंक्शन. तो अब इसमें देखते हैं एनर्जी गिविंग से हमारा क्या मतलब है. तो हमारे को अपने कार्य, रोज़मर्रा के कार्य के लिए हमें एनर्जी चाहिए, हमें ऊर्जा चाहिए होती है. और हम हर कार्य के लिए ऊर्जा चाहिए हमें, चाहे हम अपने दैनिक क्रियाएं कर रहे हैं, चाहे हम अपने सामाजिक कार्य कर रहे हैं, चाहे हम अपना ऑफिस का काम कर रहे हैं, चाहे घर पे कामकाज कर रहे हैं, चाहे वह हमें लगता है कि बैठ के जो व्यक्ति काम कर रहे हैं उतना उनका शारीरिक क्रिया नहीं हो रही है. एक फॉर एग्जाम्पल, एक किसान या कोई एक जो मैनुअल लेबर कर रहा है उसके अपेक्षा एक आदमी जो कुर्सी पर बैठ के कार्य कर रहा है उसको कम एनर्जी की ज़रूरत है, परंतु
एनर्जी की सबको ज़रूरत है. तो एनर्जी गिविंग फंक्शन जो फूड है, ये जो है हमारे खाद्य, हमारे फूड के अंदर कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनके कारण ये फंक्शन जो होता है हो पाता है. स्पेसिफिकली कार्बोहाइड्रेट और फैट से ये होता है. इसके बारे में हम और विस्तृत जानकारी बाद में करेंगे. बॉडी बिल्डिंग, यानी जब बच्चा पैदा होता है या इवन जब बच्चा किस प्रकार, जब एक बच्चे का कंसेप्शन होता है तो एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है वो, केवल एक सेल. उस एक सेल से सेल डिवीजन होके एक पूरे बच्चे का निर्माण होता है. और बच्चा जब पैदा भी होता है तो उसके बाद वो कितना बड़ा होता है, तो इस बड़ा होने के अंतर्गत नई सेल्स, नई कोशिकाओं का निर्माण होता है, कोशिकाओं के आकार बढ़ते हैं, नए ऑर्गन्स का निर्माण होता है. तो ये सब कार्य संभव हो पाता है खाने के कारण. वंस अगेन, खाने के अंदर हमारे कुछ ऐसे तत्व हैं जो जिनका विशेष कार्य है शरीर का निर्माण करना या बॉडी बिल्डिंग. ये तत्व हैं प्रोटीन. इसके बारे में भी हम विस्तार से अगले आने वाले सत्रों में चर्चा करेंगे. इसके अलावा हम देखें तो हम कई बार व्यक्ति बीमार हो जाते हैं और कई व्यक्ति नहीं भी उतनी बार बीमार होते हैं. तो प्रोटेक्शन, प्रोटेक्टिव फंक्शन ऑफ फूड से मतलब है कि बीमारियों के प्रति हमारी रोकथाम करने में फूड की भूमिका. यानी जब इन्फेक्शन हो जाए, दो लोगों को इन्फेक्शन होता है और कोई एक व्यक्ति उसके प्रति ज़्यादा उसका शरीर खराब हो जाता है और कई का नहीं होता है, तो इसमें भी फूड का एक बड़ा रोल है कि किस प्रकार का खाना खाया जा रहा है वो इस पर डिपेंड करेगा कि प्रोटेक्टिव फंक्शन उसका खाए जाने वाला फूड प्रदान कर रहा है या नहीं. साथ ही में जो हमारा दूसरा फंक्शन है वह है रेगुलेटरी फंक्शन. यानी हमारे शरीर में कई क्रियाएं चल रही हैं. हार्ट, दिल धड़क रहा है, सारे शरीर को ब्लड सप्लाई कर रहा है, किडनी काम कर रही है, लंग्स काम कर रहे हैं, ब्रेन काम कर रहा है, इसके बारे में हम अवेयर भी नहीं हैं. परंतु ये सब क्रियाएं जो हो रही हैं, ये सब इन्हीं के कारण जो हमारा शरीर है वो एक संतुलन में चल रहा है. सारा शरीर का विभिन्न प्रोसेसेस जो हैं वो रेगुलेशन में है. पेट खाना डाइजेस्ट कर रहा है और सारी जो इंद्रियां हैं वो मैसेजेस आदान प्रदान कर रही हैं. तो ये सब जो चीज़ें हैं इसको हम कहते हैं रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ फूड. और ये रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ फूड भी जो हमारा फूड के अंदर जो हमारा स्पेशल न्यूट्रिएंट हैं, जिसको हम कहते हैं कि विटामिन और मिनरल्स, उनके हिसाब से उनके कारण ये प्रोटेक्टिव और रेगुलेटरी फंक्शन जो है वो हमारा होता है. तो यहीं पे यही बात आगे और यहाँ स्लाइड में लिखी है. एनर्जी गिविंग वाले न्यूट्रिएंट्स हमारे हैं कार्बोहाइड्रेट और फैट. जो हमारे ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए हैं बॉडी बिल्डिंग, वो हैं प्रोटीन. अब आप कहेंगे कि हम तो बड़े हो गए, अब हमारी तो बॉडी ने और ग्रो नहीं करना, तो हमें क्या प्रोटीन की ज़रूरत है? तो हमें है प्रोटीन की ज़रूरत इवन एज एडल्ट, चाहे हमारी बॉडी ने अब और ग्रो नहीं करना है. क्योंकि हमारे जो बॉडी के टिश्यूज़ हैं ये टूटते रहते हैं, ये पुराने होते हैं और ये रिप्लेस होते रहते हैं. तो जो पुराने टूटे हुए टिश्यू के स्थान पे नया टिश्यू का निर्माण जो होना है, चाहे भले ही हमारे को अब और हमारी बॉडी ग्रोथ उस तरीके से नहीं हो रही है, क्योंकि परंतु रोज़ के रखरखाव में जो बॉडी के सेल्स डैमेज हो रहे हैं और जो दोबारा नए सेल्स बन रहे हैं, वो भी बॉडी रिपेयर, वो भी एक किस्म की बॉडी रिपेयर के अंतर्गत आते हैं, बॉडी ग्रोथ के अंतर्गत आते हैं. और उसके लिए हमें प्रोटीन की आवश्यकता है. प्रोटेक्टिव एंड रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ फूड, जैसे मैं बोल रही हूँ, ये विटामिन और मिनरल्स करते हैं कि हमारे को इन्फेक्शन से बचा के रखते हैं और हमारे बॉडी सेंस सिस्टम्स जो इन्फेक्शन को फाइट करते हैं उनकी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए भी ये प्रोटेक्टिव और रेगुलेटरी फंक्शन जो फूड है, इसमें ये विटामिन और मिनरल की अगर हमारी कमी रहेगी तो हमारा ये वाला फंक्शन जो है ये हमारा थोड़ा कम हो जाएगा. और बीमारी से कितनी जल्दी हम वापस रिकवरी करते हैं ये भी हमारे खाने के ऊपर आधारित होता है. रेगुलेटरी फंक्शन मतलब जो बीटिंग ऑफ द हार्ट, मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर, या हमारे मसल्स जो हैं, जब हम चलते फिरते हैं तो हमारे मसल्स का सिकुड़ना और एक्सपैंड होना, ये भी रेगुलेटरी फंक्शन जो है ये भी फूड के द्वारा ही हमारा हो पाता है. तो ये तो हमारा था, हमने यहाँ पहले पिछली स्लाइड में अगर एक बार नज़र डालें दोबारा, तो हमने ये बात करी थी फंक्शंस ऑफ फूड में. हमारा पहला फंक्शन था फिजियोलॉजिकल फंक्शन. फिजियोलॉजिकल फंक्शन के तहत हमारे ये चार फंक्शन थे. और अब हम बात कर रहे हैं एक और फंक्शन ऑफ फूड, यानी सोशल फंक्शन ऑफ फूड. अब ठीक है, खाना तो हम हमारा शरीर, हम जिंदा रहें, हमारा शरीर सुचारू रूप से चले, इसलिए खाते हैं. परंतु
केवल इसीलिए नहीं खाते, वरना तो फिर हम अकेले बैठ के अपने कमरे में खाना खा लेते, किसी और से कोई लोगों को हम आमंत्रित ना करते अपने घर खाना खाने पे, या हमें अगर कोई किसी का कुछ सेलिब्रेट करना हो, जन्मदिन या किसी का शादी या इवन कि किसी का बर्थ या अन्नप्राशन, ये सब हमारी जो सेरेमनीज हैं इसमें फूड का गहरा रोल है। तो यानी फूड केवल एक जिंदा रहने के लिए ही, फिजियोलॉजी बॉडी को चलाने के लिए ही हम नहीं कर रहे हैं, फूड हमारे को समाज में एक दूसरे से बांधता है। तो यानी फूड जो है ये बहुत बड़ा एक सोशल फंक्शन सर्व कर रहा है। हम कोई खुशी के मौके पे है तब भी हमारा फूड का सिलसिला रहता है, और अनफॉर्चुनेटली अगर दुख का मौका हो तब भी हमारा फूड का सिलसिला रहता है, भले ही चाहे हम तब उतना बहुत बढ़िया तरीके से वो ना करें, बिल्कुल बेसिक करें, परंतु हमारे जीवन के हर आयाम के साथ फूड जो है वो जुड़ा हुआ है। तो इसको समझना इसलिए ज़रूरी है कि हमें पूरे हम किस प्रकार से बच्चे को खाना पिलाना, केवल यही नहीं है कि हमने बच्चे को खाना बहुत न्यूट्रिशियस पैक करके दे दिया, अब उसके साथ हमने किस प्रकार से भावात्मक रूप से बच्चे के साथ जुड़ के वो हुआ। एक है कि आपने बहुत अच्छी थाली बच्चे को दे दी खाने से भर के, परंतु अब बच्चा अकेला बैठा है खा रहा है, या उसका जो बड़े अनमने ढंग से उसे सर्व किया गया है, या जो भी उसे खाना परोस रहा है उसका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, एक कार्य समझ के बच्चे को खाना हमने सर्व किया है, तो वहाँ पे उसका जो पूरा एक प्रोसेस, वो जो पूरा एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है वो एक अलग है। और बनिस्बत ये कि जब हम एक जुड़ाव के साथ, एक इंटरेस्ट के साथ बच्चे को कुछ खाना खाने को देते हैं, तो सोशल फंक्शन ऑफ फूड में हम ये देखते हैं कि हम एक दूसरे के साथ मिलके जब हम खाना खाते हैं, जब मैं आपके घर आऊँ या आप मेरे घर आएँ और हम मिलके खाना खाएं, तो यानी उसमें हम एक सोशल एक्सेप्टेंस की बात दिखा रहे हैं कि हम एक दूसरे से मान्यता, हम एक दूसरे को पसंद हैं, या हम एक दूसरे को एक्सेप्ट करते हैं, या हम एक दूसरे की कंपनी पसंद है। उसमें जैसे हम कहते हैं कि खाने का और डबल मज़ा आ गया, जिसका हमारे स्वास्थ्य के ऊपर और अलग से प्रभाव रहता है। ये मैं बोल ही चुकी हूँ, फेस्टिवल्स पे हम एक विशेष तरीके से खाना बनाते हैं, और रिलीजन के आधार पे भी हमारे प्रत्येक रिलीजन में फूड का रोल है, कौन से फूड खाने हैं, किस समय कौन से नहीं खाने, किस टाइम पे खाने हैं। फ्रूट, स्वीट्स, इन सब चीज़ों को हम मंदिर में या मस्जिद में या अलग अलग रिलीजन में अलग अलग तरीके से रिलीजियस फेस्टिवल्स के दौरान भी हम यूज़ करते हैं। तीसरा फंक्शन अगर हम फूड का देखें तो एक साइकोलॉजिकल फंक्शन फूड जो है ये सर्व करता है। तो किस प्रकार से कि फूड हमें एक भावात्मक रूप से एक परिपूर्ण होने की भावना का एहसास दिलाता है। फॉर एग्जांपल अगर एक माँ या कोई भी और पिता या कोई भी घर में जो और काम कर रहा है बच्चे को खूब स्नेह से खाना बना के दिखाती है, तो खिलाती है, तो उसका भी एक जो बच्चा व्यक्ति खाना बना रहा है उसका भी एक उसको सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलती है, और जिसको खाना परोसा जा रहा है इतने प्रेम से इतने प्यार से, उसका भी उस खाना खाने के प्रति जो अभिवृत्ति होती है वो बहुत ही पॉजिटिव होती है, और उस पॉजिटिव एटमॉस्फेयर में बनाया गया और खाया गया खाने का एक अलग ही प्रभाव होता है। एक तो ये हो गया साइकोलॉजिकल या मनोवैज्ञानिक आयाम, और एक और मनोवैज्ञानिक आयाम अगर हम उदाहरण लें खाने का किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है, तो वो ये कि कई बार जैसे मान लीजिए हम बहुत घबराहट में हैं, तो कई लोग घबराहट में बहुत ज़्यादा खाते हैं और कई लोग घबराहट में बहुत कम खाते हैं, तो हमारी मनोवैज्ञानिक स्थिति क्या है इसका प्रभाव भी हमारे खाने की प्रक्रिया पे पड़ता है। और उल्टा भी कह सकते हैं कि मान लो हमारी मनोवैज्ञानिक स्थिति किसी प्रकार की है के लिए हम थोड़ा सा लो फील कर रहे थे, दैट बिकम्स अ बिट पॉजिटिव। तो यही यहाँ पे हमने स्लाइड में भी बात की है कि जब माँ बच्चे की फेवरेट डिश बनाती है तो बच्चे को आभास होता है कि माँ मुझे प्यार करती है। आपस में लोग खाना शेयर करके हम ऑफिसेज या लंच में या इवन स्कूल में खाते हैं, तो वो एक फ्रेंडशिप का हमारा नज़रिया वहाँ पे दिखता है। और हमारा जब मान लो कई बार ऐसा भी होता है कि हम कहते हैं कि कोई बच्चे ने कोई विशेष कार्य करके दिया, तो हम उसके लिए माँ जो है वो एक स्पेशल तरीके का खाना भी बना के दे सकती है। अब इस सब बात में देखिए ये भी है कि जब आप चाइल्ड केयर केंद्र में काम कर रहे हैं, और खासकर अगर हमारे सेंटर में या हमारे स्कूल में
बच्चों को खाना बांटने का प्रावधान है, कोई मिड डे मील का प्रावधान है, या अगर बच्चे अपने आप भी घर से खाना लाए हैं, तो किस प्रकार का हमने सोशल और साइकोलॉजिकल एटमॉस्फेयर क्रिएट किया है खाने के समय, ये सब बातों का हम वहाँ पे रिलेट करें कि कैसे हमने वहाँ पे एक भावात्मक माहौल शुरू किया है। क्या ऐसा तो नहीं कि हम कोई बच्चों को अलग अलग ग्रुप में किसी आधार पर बांटते हैं और सब बच्चे एक साथ नहीं हैं? क्या ऐसा तो नहीं कि अलग अलग ग्रुप या अलग अलग वर्ग के बच्चे अलग अलग खाना खा रहे हैं? अगर हम ऐसा करते हैं तो कहीं ना कहीं ऐसा करने से बच्चों के अंदर एक हीनता की भावना को हम क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि बच्चे के मन में आएगा कि अगर सारे बच्चे इधर बैठे हैं तो मैं अलग थलग इधर क्यों बैठा हूँ। तो हम ये देखें कि जब हम खाने की व्यवस्था अगर हमारे हम उसके इंचार्ज हैं और हमारे केंद्र में ये हो रही है, या हम कहीं और भी देख रहे हैं, तो हम ये देखें कि खाना जो है वो सामाजिक रूप से किसी भी प्रकार का भेदभाव का कारण नहीं हो जाना चाहिए, उल्टा एक जुड़ाव का खाना कारण होना चाहिए। शाला पूर्व केंद्र में खाने का समय वो समय होना चाहिए जब हर कोई हर बच्चे अपने आपस में फ्रीली इंटरैक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं, किसी कोई अपने लंच बॉक्सेस लाए हैं तो टीचर उसको शेयरिंग अगर है तो वो भी प्रोत्साहित कर सकती है, सब अपने खाने के बारे में बताएं कि मैं आज क्या खाना लाया हूँ, किस प्रकार का खाना है, या खाना जो हम खा रहे हैं इसका क्या कैसा हमें लग रहा है। तो इससे सारों सभी का जो चाइल्ड केयर सेंटर है उसमें एक बहुत बड़ा जुड़ाव के तरीके से ये काम करता है। और कई बार हम बच्चों को शायद फोर्स भी करते हैं खाना खाने के लिए, तो इसको भी हमें बहुत सोच समझ के ये काम करना है कि हम उस समय बच्चे का मनोवैज्ञानिक पहलू पे बहुत हमें ऊपर उभर के आएगी ये बात कि फोर्स किया जाए या ना किया जाए, क्योंकि हो सकता है कि बच्चे को सच में ही उस समय खाने की भूख ना हो या उसको सच में ही ये भोजन अरुचिकर लग रहा हो। दूसरी तरफ ये भी बात हो सकती है कि बच्चे को हो सकता है आजकल जैसे बिल्कुल बाहरी खाने का बात है तो बाहर का ही खाना पसंद आता है, जो भी घर से या घर वाला जैसा खाना होता है वो नहीं मिल रहा है तो नहीं पसंद आ रहा है। तो दोनों केस में आपको एक बहुत सिचुएशन को देखते हुए ये देखना होगा कि किस प्रकार से बच्चे के साथ निपटा जाए। अगर बच्चा खाने के प्रति कुछ विरोध कर रहे हैं, नहीं खाना खाना चाह रहे हैं, तो उसका कारण क्या है? और वो एक दिन की ही बात नहीं होगी, एक दिन हो सकता है बच्चा को ठीक ना लग रहा हो, ना खाना चाहे, अलग बात, बट एज अ रूटीन अगर बच्चे इसमें कुछ थोड़ा सा आनाकानी करते हैं या किसी प्रकार का खाना पसंद नहीं करते हैं, तो फिर आपको उसमें थोड़ा और गहराई से देख के माता पिता से बात करते हुए उस चीज़ को और थोड़ा सा समझना होगा। तो खाने के ऊपर ये बात करते हुए आइए अब रिलेटेड दूसरी बात पे चलें कि पोषण से हमारा संबंध मतलब क्या है। खाने के तो हमने परिभाषा कर ली, खाने की बात भी समझ ली, तो पोषण शब्द से समझते हैं हमारा क्या मतलब है। तो पोषण वो साइंस है जो खाद्य पदार्थ के बारे में है। खाद्य पदार्थ केवल हर एक खाद्य पदार्थ में किस प्रकार का न्यूट्रिशन है, ज़्यादा खाने से क्या लाभ है, कम खाने से क्या लाभ है, क्या न्यूट्रिएंट है हर, क्या पोषक तत्व है हर खाने में, क्या और अन्य सब्सटेंस हैं खाने में, ये सब पोषक तत्व जो खाने में हैं ये एक दूसरे के साथ कैसे एक्शन इंटरैक्शन और बैलेंस इनका किस प्रकार होता है। यानी यदि हम ज़्यादा प्रोटीन खा लें तो क्या उसका कोई कार्बोहाइड्रेट पे प्रभाव है, अगर ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खा लें तो क्या प्रोटीन पे प्रभाव है, अगर एक किस्म का मिनरल खा लें तो क्या दूसरे पे प्रभाव है, ये सब का जो इंटरैक्शन और रिलेशन है ये सब भी न्यूट्रिशन जो साइंस है उसके अंतर्गत आता है। और खाने का हेल्थ और डिजीज बीमारी, स्वास्थ्य और बीमारी से खाने का क्या रिलेशनशिप है, यह भी न्यूट्रिशन साइंस के अंतर्गत आता है। साथ ही न्यूट्रिशन साइंस में हम ये भी पढ़ते हैं कि किस प्रकार खाना जो जीव है वो खाता है, किस प्रकार वो डाइजेस्ट होता है, डाइजेस्ट होने के बाद किस प्रकार वो हमारी कोशिकाएं उसको अब्जॉर्व करती हैं, पेट से अब्जॉर्ब होके और आंतों से अब्जॉर्ब होके कैसे खाना अलग अलग जगह पे पहुंचता है और अलग अलग बॉडी के ऑर्गन्स में पहुंच के न्यूट्रिएंट का यूटिलाइजेशन किस प्रकार होता है और फिर एंड प्रोडक्ट का डिस्पोजल बॉडी से किस प्रकार होता है। तो यह सब तो पूरी एक फिजिकल क्रिया है जिससे न्यूट्रिशन की बात है, परंतु न्यूट्रिशन इसके साथ साथ न्यूट्रिशन में सामाजिक आयाम भी हैं, क्योंकि व्यक्ति क्या खाते हैं ये उनके सामाजिक आर्थिक और कल्चरल बैकग्राउंड पर भी डिपेंड करता है। हर व्यक्ति हर वर्ग के व्यक्ति के खाने के तरीके, क्या खा पाते हैं वो, क्या खरीद पाते हैं, इसमें भी बहुत फर्क होता है और हर वर्ग के
खाने के मनोवैज्ञानिक पहलू क्या हैं, उससे क्या जुड़े हुए हैं, यह सब भी जो है साइंस ऑफ न्यूट्रिशन के तहत ये आता है। तो फूड और न्यूट्रिशन दोनों ही साथ में जुड़े हुए हैं। न्यूट्रिशन यानी पोषण, खाना किस प्रकार से हमें पोषण प्रदान करता है और उसके क्या अलग अलग आयाम है, किस प्रकार अलग अलग आयु वर्ग के लिए खाना डिफरेंट है, क्या किस प्रकार अगर हर सामाजिक आर्थिक वर्ग के लोग की खरीद पाने की क्षमता कम होती है, तो किस प्रकार से अगर हमारे पास बहुत आर्थिक क्षमता नहीं भी है खरीद पाने की, तो हम किस प्रकार से न्यूट्रिशियस फूड, पोषक खाना फिर भी खा सकते हैं। यह सब बातें साइंस ऑफ न्यूट्रिशन में आता है और इन सभी के ऊपर हम अपने बाल केंद्र के बच्चों के साथ कार्य करते हुए इस नज़रिए से हम इस पाठ्यक्रम में इनके ऊपर सब चर्चा भी करेंगे। तो मैंने बात की थी आपको कि न्यूट्रिशन इज़ द साइंस ऑफ एक्शन, इंटरैक्शन एंड बैलेंस बिटवीन द न्यूट्रिएंट्स। इस बात को थोड़ा सा और समझ लें कि जो पोषक तत्व हैं उनका एक्शन, दो पोषक तत्वों के बीच में अंतःक्रिया इंटरैक्शन, और दो पोषक तत्व, दो या दो से अधिक पोषक तत्वों के बीच में उनका बैलेंस बनाना, यह सब साइंस न्यूट्रिशन साइंस कहलाता है। इसको थोड़ा और समझते हैं। तो पहले तो हम ये समझें कि जो ये पोषक तत्व हैं खाने में, पोषक तत्व हैं खाने में, जो पोषक तत्व हैं उनको दो में विभाजित किया जाता है, मैक्रो न्यूट्रिएंट और माइक्रो न्यूट्रिएंट। मैक्रो यानी बड़ा, माइक्रो माने छोटा, न्यूट्रिएंट माने पोषक तत्व। अब क्या मतलब हुआ मैक्रो न्यूट्रिएंट का? मैक्रो न्यूट्रिएंट यानी जिनकी शरीर को काफी अमाउंट में आवश्यकता है, और मैक्रो न्यूट्रिएंट मतलब जिनके शरीर को छोटे अमाउंट में आवश्यकता है। परंतु इस बात से हम ये ना समझें कि माइक्रो न्यूट्रिएंट की शरीर को छोटे अमाउंट में आवश्यकता है तो यानी उनका रोल कम है, ऐसा नहीं है। वो उतना ही इम्पॉर्टेंट है, हमें कम चाहिए, बहुत कम मात्रा में चाहिए, परंतु अगर वो बहुत कम मात्रा हमें नहीं मिलती है तो शरीर में गड़बड़ हो जाती है। और मैक्रो न्यूट्रिएंट यानी हमें उसको ज़्यादा मात्रा में, अपने रोज़ के दिन में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में उसकी आवश्यकता है। तो अब दोबारा इसको हम देखें, कौन से हैं हमारे यहाँ पे मैक्रो न्यूट्रिएंट? हमारे मैक्रो न्यूट्रिएंट हैं कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन एंड वाटर। तो अब आपको अगर अभी पिछली स्लाइड याद होगा तो हमने बात की थी कि कार्बोहाइड्रेट और फैट जो हैं एनर्जी गिविंग हैं और प्रोटीन्स जो हैं बॉडी बिल्डिंग हैं। तो यानी एनर्जी गिविंग और बॉडी बिल्डिंग जो हमारे फूड्स हैं, जो ये जो भी ये प्रदान करते हैं जो फूड, उनको हमें ज़्यादा क्वांटिटी में खाना है। साथ में क्योंकि पानी का बहुत महत्व है डाइजेशन वगैरह या हर प्रकार की फूड की किसी भी क्रिया में, तो पानी को भी एक मैक्रो न्यूट्रिएंट का दर्जा दिया गया है। इट इज़ एज इम्पॉर्टेंट एज एनी अदर न्यूट्रिएंट बिकॉज इट इज़ अ पार्ट एंड पार्सल। हमारी 70% हमारी बॉडी जो है पानी फ्लूइड से बनी है, इसलिए पानी की इतनी महत्ता है। मैक्रो न्यूट्रिएंट जो है हमें छोटे अमाउंट में चाहिए, और ये हैं जो विटामिन और मिनरल हैं। अगर हम दोबारा से अपनी पिछली स्लाइड याद करें तो हमें ध्यान रहेगा कि विटामिन और मिनरल हमारे प्रोटेक्टिव और रेगुलेटरी फंक्शन को फुलफिल कर रहे थे। तो फॉर एग्जांपल, अब इसी के थ्रू हम ये समझते हैं एक्शन इंटरैक्शन बैलेंस एक एग्जांपल के थ्रू। फॉर एग्जांपल, कैल्शियम जो है वो हमें चाहिए शरीर में, ये मिनरल है कैल्शियम, हमें कैल्शियम चाहिए स्ट्रॉन्ग बोन और टीथ बनाने के लिए। तो यह तो यानी हमारी जो हड्डियाँ और दांत, यह तो हुआ इसका एक्शन। परंतु कैल्शियम केवल अकेले नहीं बोन्स और टीथ बनाता है, उसको साथ साथ फॉस्फोरस मिनरल की भी आवश्यकता है। तो ये यानी जब दोनों कैल्शियम और फॉस्फोरस इकट्ठा होंगे तब हमारा ग्रोथ नॉर्मल, बोन्स और टीथ का नॉर्मल होगा, यानी ये इनका इंटरैक्शन दिखा रहा है। केवल इंटरैक्शन ही काफ़ी नहीं है, हमें बैलेंस चाहिए। यानी क्या हो जाता है, अगर हम बहुत ज़्यादा मात्रा में फॉस्फोरस ले रहे हैं तो जो कैल्शियम है हमारी बॉडी में उसका यूटिलाइजेशन उतना नहीं हो पाएगा, चाहे हम ग्रहण करेंगे भी तो उसका इतना हमारा इनफ, हमने खाया भी होगा तो बॉडी उसको यूज़ नहीं कर पाएगी। यानी एक इम्बैलेंस हो जाएगा बिटवीन कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, और जो हमारे बोन्स टीथ हैं जिस भांति बनने चाहिए थे, बढ़ने चाहिए थे बच्चे के, वो उस प्रकार से नहीं हो पाएंगे। तो यानी एक्शन इंटरैक्शन और बैलेंस सभी हमारे न्यूट्रिएंट कैटेगरीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार एक न्यूट्रिएंट का होना या ना होना शरीर में, दूसरा जो न्यूट्रिएंट हमारे शरीर में है उसके यूटिलाइजेशन, उसकी अब्सॉर्प्शन को बहुत प्रभावित करता है और हमारे
स्वास्थ्य के स्तर को प्रभावित करता है। इसलिए हमें बैलेंस में खाना खाना है। आगे आगे जैसे हम पढ़ेंगे तो हम बैलेंस डाइट की संरचना का कॉन्सेप्ट भी यहीं से निकल के आता है कि हमारे को जितनी आवश्यकता है उस आवश्यकता में हमारा खाना ऐसा हो कि हमें विभिन्न मैक्रोन्यूट्रिएंट और माइक्रोन्यूट्रिएंट प्रदान करे। जैसे जैसे कोर्स में आगे चलेंगे हम ब्लॉक 3, 4, 3 और 4 जो हैं विशेषकर से इसी चीज के ऊपर आधारित हैं। तो अब थोड़ा सा ये तो हमने फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ न्यूट्रिशन देख लिया, अब हम ये देख रहे हैं सोशियो कल्चरल साइकोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ न्यूट्रिशन में हम देखते हैं। तो हर किसी के सोशल कल्चरल और रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट में फूड का अपना एक महत्व है। यहाँ पे केवल एक मेरे पास वैदिक ट्रेडिशन से एग्जांपल है, परंतु हर ट्रेडिशन में, हर अपनी अलग ट्रेडिशन में, क्रिश्चियन ट्रेडिशन में, इस्लामिक ट्रेडिशन में, हर एक का अपना अलग अलग यहाँ पे इम्पॉर्टेंस है फूड की। वैदिक ट्रेडिशन में सात्विक, राजस्विक और तामसिक फूड में डिवाइड किया गया है, परंतु किसी दूसरे कॉन्टेक्स्ट में आवश्यक नहीं है कि ये सारी कैटेगराइजेशन हो, वो दूसरी कैटेगराइजेशन हो सकती है। तो हम यही कह रहे हैं कि जो एक कम्युनिटी को शायद फूड जो एक्सेप्टेबल है, हो सकता है दूसरी कम्युनिटी को वो फूड एक्सेप्टेबल ना हो। तो इसके ऊपर हम कोई बहुत अपनी रिजिड धारणाएं ना बनाएं। हमें यह देखना होगा जब हम काम कर रहे हैं, अगर बच्चा मान लो कई बार हमारे सेंटर में हमने कोई प्रकार का खाना परोसा, वो नहीं खा रहा है, तो इट इज़ पॉसिबल कि उस खाने के प्रति उसके परिवार या उसके कम्युनिटी या उसके रिलीजन में कोई ऐसी धारणाएं हों जिसके कारण वो नहीं खाना खाना चाह रहा है। तो इसमें अब हमें अपनी नहीं थोपनी है, बहुत क्लियरली हमें यह समझना है कि ये दूसरे व्यक्ति की चॉइस है, उस व्यक्ति के खाने पीने की चॉइस को हमें रिस्पेक्ट करना है और अपना चीज उसके ऊपर नहीं थोपनी है। कोई भी, हम लोग कई बार खाने को लेके व्यक्तियों को अच्छा या बुरा साबित करते हैं, तो ये बहुत ही गलत बात है, क्योंकि कहीं का भी खाना, जो भी लोग कहीं पे भी खाना खाते हैं, वो उनकी जो आसपास की फिजिकल एनवायरनमेंट है, वहाँ क्या मिलता है, वहाँ क्या उगता है, वहाँ के उस कम्युनिटी की क्या धारणाएं हैं, वहाँ क्लाइमेट कैसी है, सर्दी है या गर्मी है, इस सब के ऊपर निर्भर करता है। आखिर विश्व में सभी मनुष्य जो हैं वो अपने आसपास की सराउंडिंग से एक सामंजस्य स्थापित करके अपने खान पीन करते हैं। तो किसी के भी खान पीन को हमें ऊंचा या नीचा नहीं देखना है, ये एक बहुत बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है। और हमें जो पसंद या नापसंद है, उससे सामने वाले की पसंद या नापसंद को तोलना नहीं है। जो ये फूड इज अ पर्सनल चॉइस, आप जो व्यक्ति अपने आप खाना खा रहा है वो उसकी पसंद है, हमें उस पर कुछ थोपना नहीं है। ये बात बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप एज टीचर्स ऑफ यंग चिल्ड्रन बहुत ही जल्दी बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एटीट्यूड्स बच्चे अब्सॉर्ब कर लेते हैं, और इस बच्चे पॉजिटिव और नेगेटिव एटीट्यूड्स अब्सॉर्ब कर लेते हैं, और इस को हमें यहीं से ही उनको हमें बिल्कुल एक सभी के प्रति, सभी के खान पीन के प्रति एक रिस्पेक्ट का रवैया यहीं से बताना है। जी कॉल दें जी। हेलो। हाँ जी मैडम। हेलो। हाँ बोले मैडम। मैम सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल मैम, फरीदकोट से बोल रहे हैं। हाँ जी, हमने पूछना था ये असाइनमेंट है ना, लिंक कॉल तो लेने आई, चल दिन 4-5 दिन हो गई। मैडम आप इग्नू टाइप करेंगे ना, वर्ड इग्नू असाइनमेंट। हाँ जी, तो टाइप कराया सी, फिर क्या हुआ? वो पता की चलता ही नहीं, अगर वो अगे वो आ जाता, पता नहीं की शेडी आन लग जांदी, आगे चलता नहीं है, ऐसा तो होना नहीं। मैं बोल के भी कई बारी, बोल के कल भी परसों भी बोल के भी करे, वो असाइनमेंट निकलदी नहीं विच में। अच्छा ऐसा करते हैं, अभी थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, जब तक हम ब्रेक लेंगे मैं भी अपने यहाँ पे कंप्यूटर पे चेक करती हूँ कि असाइनमेंट खुल रहा है या नहीं, उसके बाद ब्रेक के बाद देखते हैं, आपको दिखाते हैं कि असाइनमेंट कैसे खोलना है और क्या करना है। तो अभी एक मिनट का ब्रेक लेते हैं और फिर वापस आते हैं आपके प्रश्न पे। Thank you.
ओके वेलकम बैक. चलिए पिछले सेशन में क्वेरी आई थी उनसे असाइनमेंट नहीं खुल रहे हैं, तो ये देखिए अब मैं आपके सामने खुल रही हूँ असाइनमेंट. अगर हम इस पे फोकस लाएं अपन तो देखें, ये मेरा गूगल का पेज है, मैं यहाँ पे असाइनमेंट इग्नू देखिए मैं कर रही थी, मेरा क्योंकि पहले से ही था लिखा हुआ आ गया है, आप पूरा टाइप कर लीजिए असाइनमेंट इग्नू. ठीक, ये करते ही ये पहला जो है इसी पे ही मैं अगर क्लिक कर रही हूँ, ये देखिए असाइनमेंट पे क्लिक किया ये आ गया. अब ये देखिए एमए वगैरह से है, मुझे नीचे जाना है. ओह सॉरी, ये मैंने क्लिक कर दिया इस पे, मुझे नीचे जाना है. यहाँ कर्सर कैसे रोल रहा, ये देखिए हाँ ये नीचे जा रहे हैं, काफ़ी नीचे जाना होगा. पहले मास्टर प्रोग्राम है, फिर सारे बैचलर्स प्रोग्राम आए, ये भी ख़त्म किए, फिर ये पीजी डिप्लोमा आए, यहाँ पे भी हमारा नहीं है क्योंकि हमारा केवल डिप्लोमा है, तो हम और नीचे जा रहे हैं. ये देखिए अभी और नीचे जा रहे हैं, अभी हमारा पेज नहीं आया है, ये अब डिप्लोमा प्रोग्राम्स आ गए. डिप्लोमा प्रोग्राम में देखिए ये DECE लिखा है, इसको हमने क्लिक किया तो ये हमारा आ गया DEC जनवरी जुलाई, ये इंग्लिश का ये हिंदी का. तो कोई मुश्किल नहीं है, मैं चाहे तो दोबारा एक बार आपको करके बता देती हूँ. मैंने गूगल खोला, यहाँ पे मैंने असाइनमेंट टाइप, क्योंकि मैं कई बार कर चुकी हूँ, मेरा पूरा ऑलरेडी लिखा आ जाता है, मैं थोड़ा सा भी लिखती हूँ. देखिए मैंने असाइनमेंट इग्नू टाइप किया, ये आ गया. सबसे पहला ही जो लिंक है असाइनमेंट, इसके ऊपर ही मैंने टाइप करा, अब ये आ गया सारा. सबसे पहले मास्टर्स का आ रहा है, उसके बाद नीचे चलते जाइए बैचलर्स का आ रहा है, फिर नीचे चलते जाइए पीजी डिप्लोमा का आ रहा है, फिर नीचे चलते जाइए, अभी हमें नीचे जाना है, ये डिप्लोमा प्रोग्राम्स, ये टाइटल आप यहाँ देख रहे हैं, और ये हमारा DECE, और ये हमारे इंग्लिश का असाइनमेंट, ये हमारा हिंदी का असाइनमेंट. तो आई होप अब मैडम आप खोलिए अभी जहाँ पे भी अगर हैं आप, और आप चेक कर सकती हैं, आपका आई एम श्योर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, फिर भी हुई तो हम इस पे बात दोबारा आपको बता सकती हूँ मैं. तो हाँ जी बताएं अमृतसर. हाँ जी अमृतसर पूछे. मैडम आपने शुरू किया बहुत धीरे बोल रहे थे, दोबारा बोलिए माइक के पूरी पास आके और थोड़ा सा धीरे बोलिए. ओके मैम, हमने खाब आ गया, हमें को समझ नहीं आ रहा है, वो प्रयोगनात्मक बुक में वो कटिंग का निशान बना हुआ है ना. हाँ. वही वहाँ पर करके हमने कटिंग असाइनमेंट में लगाना है कि असाइनमेंट पेजों में कराना है सर. मैं नहीं, जो प्रयोगात्मक नियमावली में खाली पेज हैं, खाली पेजों के साइड में कैंची का निशान और कटिंग का निशान है, अपना उत्तर उन खाली पेजों में लिखना है, कटिंग के निशान से काट लेना है, अगर वो पेज कम पड़ते हैं तो अपने पेज भी और जोड़ लेने हैं. वो इस प्रकार से असाइनमेंट को पूरा करके भाग ए, भाग बी, भाग सी, क, ख, ग, सारे भाग इकट्ठे लगा के तब सबमिट करना है, फोटोकॉपी अपने पास रख के. ओके मैम, ओके थैंक. जी बताइए अमृतसर. हाँ बोलिए अमृतसर, बताइए. हेलो. हाँ बताएं. हाँ जी हेलो. हाँ बोलिए. हेलो मैम, मैंने ना भाग ख और ग के बारे में पूछना है, वो पेजेस पे करना है. हेलो मैम, मैंने असाइनमेंट जो फिर बुक में दी हुई है, कटिंग की हुई है. मैडम अभी तो मैंने यही जवाब दिया है, अभी यही जवाब दिया है कि बुक में मैंने, हमने आपको पेज पहले ही दे दिए हैं ताकि कहीं पे पेजेस ढूंढने लाने जाने वाला कोई चक्कर नहीं है, हमने फॉर्मेट भी दिया है. तो उसी प्रयोगात्मक नियमावली के जो पेज हैं उसी में अपना आंसर लिख के साइड से काट के लगा के देना है. चलिए तो हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि किस प्रकार खाने का जो है एक सामाजिक आर्थिक कल्चरल आयाम है, और वो यही है कि हमें एक दूसरे के फूड को, जो दूसरे लोगों का, किसी दूसरे धर्म या किसी दूसरी जाति के लोगों का खाना है, उसको रिजेक्शन इत्यादि का हम ध्यान रखें. और हमें ये ध्यान रखना होगा कि अगर हम लोगों के खाने की मान्यता है, हमें, हम सपोजिंग जानते हैं कि ये खाना बड़ा इम्पॉर्टेंट है, परंतु कहीं का कोई किसी समुदाय के लोग उसे खाना नहीं चाहते हैं, तो
हम ये जानते हुए भी कि उनके लिए ये खाना पोषण के माध्यम से बहुत पोषण के रूप से बहुत इम्पॉर्टेंट है, फिर भी हम जोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। खाने संबंधी धारणाओं को बदलने के लिए हमें बड़ा पेशेंटली काम करना होगा और बड़ा ध्यानपूर्वक काम करना होगा, बड़े आराम से काम करना होगा। जी लुधियाना आपकी कॉल है तो बताएं। मुझे कंफ्यूजन हो रही है भाग क का मैम, 3rd क्वेश्चन है, एक वर्ष के बच्चों के 5 व्यवहारों का वर्णन कीजिए जो बच्चे की विचार शक्ति और सोचने के योग्यता को प्रमाण देते हैं। जी मैम मुझे ये कंफ्यूजन है कि ये 0 से 1 ईयर के बच्चे का पूरा वो बताना है कि जो 1 ईयर का है आपने वो वाला वो बताना है व्यवहारों का। आप इसमें 6 महीने के बच्चे का एक व्यवहार बता सकते हैं, 7 महीने के बच्चे का व्यवहार बता सकते हैं, 1 वर्ष से कम के बच्चे के व्यवहार बताने हैं जो बताता है कि हाँ जी बच्चा सोच रहा है समझ रहा है। आप जो व्यवहार का उदाहरण दें उसके साथ उसका महीना बता दीजिए, कौन से महीने की बात कर रहे हैं, किसकी बात। ठीक है मैम। तो आगे अब हम देखें कि साइकोलॉजी मनोवैज्ञानिक पहलू क्या हैं जो खाने को आधारित इन्फ्लुएंस करते हैं। देखिए कई प्रकार के एडवर्टाइजमेंट, हम कुछ खाना ना खाना चाहें परंतु एडवर्टाइजमेंट से हम प्रभावित होकर कुछ खा लेते हैं। कई जगह पे हमारे जो दूसरों के क्या एटीट्यूड है हमारे खाने के प्रति या दूसरों का क्या रिएक्शन है, हो सकता है हमें कोई चीज़ पसंद हो पर हम कहीं ग्रुप में बैठे हैं और कोई और दूसरे व्यक्ति उसके प्रति नकारात्मक बात कहें या कह दें या उसे इस प्रकार से पकाएं, तो हो सकता है हम यहाँ उस खाने को ना खाएं। तो हर वक्त हम खाना जो है वो ये सोच के नहीं खाते हैं कि मेरे लिए ये पौष्टिक है, ये कई मनोवैज्ञानिक चीज़ें जो हमारे खाने को भी इन्फ्लुएंस कर देती हैं, जिसके कारण हम कई बार ठीक नहीं भी खाते खाना और जो हमें पसंद होता है खाना वो भी छोड़ देते हैं। खाने के ऊपर आर्थिक आयाम भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, कितना पैसा हम खर्च कर सकते हैं यह डिटरमिन करता है कि हम क्या खाते हैं और कितना खाते हैं। यहाँ पे केवल बात ध्यान में रखने की ये है कि इसका मतलब ये नहीं है कि महंगे खाने ही पौष्टिक खाने हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इनफैक्ट हमारे पूरे कोर्स का आधार है कि रोज आम मिलने वाले खाने के माध्यम से हम बहुत अच्छा पौष्टिक भोजन रोज के अपने आप को और बच्चों को भी खिला सकते हैं। अब ये हम देखें अगला पॉइंट हमारा है कि न्यूट्रिशन और हेल्थ के बीच में, जो हम पोषण और स्वास्थ्य के बीच में गहरा संबंध है। अब गुड न्यूट्रिशन बहुत आवश्यक है गुड हेल्थ के लिए, अगर हम अच्छा स्वास्थ्य चाहते हैं तो गुड न्यूट्रिशन हमें चाहिए। और अब क्या हो सकता है यदि आप गुड न्यूट्रिशन नहीं कर रहे हैं, अगर आपका पोषण उचित नहीं है तो आपको मैल न्यूट्रिशन, जिसको हम कहते हैं कि हमारा जो भोजन है वो पूर्ण नहीं है, हमारे जो पोषक तत्व हैं वो पूर्ण नहीं हैं, और ये हमारी हेल्थ को नकारात्मक तरीके से प्रभावित करता है, क्योंकि हो सकता है हमारे अंदर कोई पोषक तत्व की हीनता हो जाए, डेफिशिएंसी हो सकता है, किसी का एक्सेस हो जाए, ज़्यादा हो जाए, और इसलिए जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनके अंदर इम्बैलेंस हो जाएगा। मैल न्यूट्रिशन जो है ये हमारे हेल्थ को प्रभावित करती है, कुपोषण, मैल न्यूट्रिशन यानी कुपोषण, और कुपोषण दोनों तरीके का हो सकता है, कम खाना और ज्यादा, दोनों, अंडर न्यूट्रिशन, अल्प पोषण और अत्यधिक पोषण, दोनों ही हो सकते हैं मैल न्यूट्रिशन के अंदर। इसका एक एग्जांपल देखते हैं, फॉर एग्जांपल न्यूट्रिशनल अनीमिया जब होता है यह एक पोषक तत्व की कमी के कारण है। न्यूट्रिशनल जी पंजाब से कॉल है तो बताएं पंजाब। हेलो, हाँ बताएं। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैंने पिछला जो फर्स्ट असाइनमेंट है वो कौन सी डेट को सबमिट करवानी है? 30th जनवरी। हाँ, चेंज हुआ हो नहीं पाया है अभी तक ऑनलाइन, थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है मुझे, क्योंकि एक बार जो चीज़ चढ़ा दें उसको फिर बदलने में थोड़ा समय लगता है, ऑनलाइन अभी बदलाव नहीं हो पाया है, परंतु आप 30 जनवरी तक आप उसे सबमिट करें। ओके जी बोलें पंजाब। गुड इवनिंग मैम। जी गुड इवनिंग, पूछिए। हमने ना अभी दिसंबर में बुक्स ली हैं। हाँ। तो हमें ना साइट नहीं पता चल रही कि हम असाइनमेंट कौन से साइट से देखें। मैडम आप अभी 10 मिनट, आप क्या अभी जुड़ी हैं? 10 मिनट पहले मैंने 2 बार साइट दिखाई है। सॉरी मैम, मैंने ना अभी ट्राई की है, वो नंबर ही नहीं मिल रहा था। नहीं, आप टीवी देख रही थी कि नहीं 10 मिनट पहले?
नहीं मैम अभी वो नेटवर्क की प्रॉब्लम आती है तो चलता ही नहीं है सही से. तो आप अभी मैंने दिखाया था, आप अपना गूगल खोलिए, गूगल पे टाइप करिए असाइनमेंट्स इग्नू. ऐसा टाइप करते ही जो पहला आपका रिंग आता है उसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे, जो पहला आपका रिजल्ट आता है उसी के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो इग्नू के असाइनमेंट खुल जाते. मैम हमने एक सेकंड मैम हमने अभी दिसंबर वाली जो बुक्स नहीं है तो उसमें जो 19 जुलाई वाला सेशन शो हो रहा है हमने वही सबमिट करवानी है. जी और कोई सेशन ही नहीं शो हो रहा, सबसे लेटेस्ट सेशन जुलाई 19 का ही है, वही आपने बताना है. और आप दोबारा ये प्रोग्राम देख लीजिएगा रात को 9 से 10, दोबारा आपको टोटल क्लियर हो जाएगा. वो रिपीट प्रोग्राम है, आप घर पे बैठ के इत्मीनान से फिर देखिएगा, फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो कल बात कर लेंगे. हाँ जी पंजाब बताएं, पूछिए. पूछिए जरा जल्दी पूछिए. आई कार्ड का पूछ रहे हैं मैम, आई कार्ड जारी कर दिए क्या? क्या आई कार्ड? आई कार्ड आ गए क्या, जारी हो गए क्या? आप वो आप अपने स्टडी सेंटर से बात करिए, आप लोग लगता है स्टडी सेंटर या रीजनल सेंटर से थोड़ा ताल्लुक रखिए. ये सब बातें जो एडमिनिस्ट्रेटिव है मैं दोबारा क्लियर कर दूं, ये टेलीकॉन्फ्रेंसिंग का मकसद है आपको एकेडमिक सहायता देना. जो आपकी सारी एडमिनिस्ट्रेटिव क्वेरी है अगर आप स्टडी सेंटर नहीं जाएंगे, रीजनल सेंटर से संपर्क नहीं रखेंगे तो केवल ये हमारे टीवी के थ्रू बातचीत से नहीं हो पाएगा पूरा. आपको आई कार्ड वगैरह के लिए अपने स्टडी सेंटर और रीजनल सेंटर से संपर्क रखना बहुत ज़रूरी है, जाना बहुत ज़रूरी है. सो मेल न्यूट्रिशन का हम एक एग्जाम्पल यहाँ देख रहे थे, न्यूट्रिशनल एनीमिया. ये जो है एनीमिया जो होता है लौह तत्व की कमी से होता है. लौह तत्व की कमी से भी हो सकता है, फॉलिक अम्ल की कमी से भी हो सकता है, विटामिन B12 की कमी से भी हो सकता है. तो कोई भी ये एक अंडर न्यूट्रिशन का एग्जाम्पल है और इसके कारण खासकर जो गर्भवती महिलाएं हैं या इवन प्री स्कूल के शाला पूर्व उम्र के बच्चों में थकावट, उल्टी आने की फीलिंग होना, सांस को ऐसे लगना जैसे सांस नहीं आ रहा है, नींद ना आ पाना, भूख ना लगना, ऐसे किस्म की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं. ओवर न्यूट्रिशन अत्यधिक न्यूट्रिशन का एक एग्जाम्पल हमारा है मोटापा, आजकल जो बहुत बढ़ रहा है. और बच्चों में भी ये है, ये नहीं है कि ये किसी बड़े को होना है, बच्चों में भी बहुत मोटापे की प्रॉब्लम है और इसके कारण कई प्रकार के हार्ट डिजीज और डायबिटीज़, जो इंडिया इज़ द डायबिटीज़ कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, हर दूसरे व्यक्ति को डायबिटीज़ होने की संभावना है और इसमें बच्चे भी इंक्लूडेड हैं. तो जब हम ये न्यूट्रिशन और हेल्थ के बीच में संबंध करते हैं तो हम न्यूट्रिशनल स्टेटस के बारे में भी देखते हैं. न्यूट्रिशनल स्टेटस कैसे निर्धारित होता है, हमने जो खाया और उसका यूटिलाइजेशन बॉडी ने किस प्रकार किया, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से निर्धारित होता है कि हमारा न्यूट्रिशनल स्टेटस क्या है. एक अच्छा न्यूट्रिशनल स्टेटस का मतलब है ना हमारे में न्यूट्रिएंट की ना तो कमी है ना हमारे न्यूट्रिएंट ज़्यादा हैं, अप्रोप्रिएट अमाउंट में हैं जितने हैं. इस कोर्स के अंतर्गत हम यह भी बात करेंगे कि किस प्रकार न्यूट्रिशनल स्टेटस को जाना जा सकता है. अगले पॉइंट पे हम देखें तो हम ये देखना चाह रहे हैं कि माल न्यूट्रिशन और इन्फेक्शन, ये दोनों आपस में इनका क्या रिलेशन है. तो जब बच्चा कुपोषित होता है तो उसका इन्फेक्शन होने का डर ज़्यादा रहता है. इन्फेक्शन के कीटाणु सब समय हमारे आसपास हैं, सब समय हमारे एनवायरनमेंट में हैं, खाने पीने हवा सब जगह मौजूद हैं, हर एक को इन्फेक्शन होने का चांस है रहता है. परंतु उसको ज़्यादा इन्फेक्शन होगा जो ऑलरेडी कुपोषित है, और जब वो कुपोषित हो के जब उसको इन्फेक्शन होगा तो वो और भी कुपोषित हो जाएगा. पहले से ही उसका स्वास्थ्य खराब है, अब बीमारी भी हो गई तो स्वास्थ्य दोबारा खराब हो गया. तो यानी ये कुचक्र है, विशियस साइकिल है. और इस इंटर रिलेशनशिप को सिनर्जिज्म भी कहते हैं, यानी एक चीज दूसरे को और बढ़ाती है. यानी मैल न्यूट्रिशन तो है ही, कुपोषण है, अब इन्फेक्शन हो गया, उससे और गिरा, अब इन्फेक्शन हो गया, खाना खाने को मन नहीं किया, इच्छा नहीं हुई, और हमारे को मैल न्यूट्रिशन हो गया. मैल न्यूट्रिशन हुआ तो अब और बीमारी जोर से पकड़ेगी. तो यानी हमारा ये एक दूसरे को बढ़ाती हैं, इसकी सिवियरिटी, एक ने दूसरे की सिवियरिटी को बढ़ाई. सो फॉर एग्जाम्पल अगर एक बच्चे को प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण है, जिसके बारे में आगे बात करेंगे, यानी ऑलरेडी उसमें प्रोटीन और ऊर्जा की कमी है, अब उसको डायरिया हो गया, तो जो उसका रहा सहा अंदर बॉडी में कुछ स्टोर था वो भी चला गया. तो अब क्या होगा, डायरिया होने के कारण वो और कुछ नहीं खा पा रहा है, अब और प्रोटीन और एनर्जी कुपोषण उसके अंदर हो जाएगा और ओवरऑल उसकी हेल्थ और गिरती जाएगी. तो इस प्रकार जब मैल न्यूट्रिशन होता है तो
इलनेस की सिवियरिटी भी बढ़ती है और फिर उसका ड्यूरेशन वो ठीक भी नहीं होगा जल्दी, ज्यादा देर तक हमारे को वो ड्यूरेशन भी इलनेस की रहेगी। इस प्रकार अब देखते हैं कि मैलन्यूट्रिशन का इन्फेक्शन पे क्या प्रभाव है। तो जब मैलन्यूट्रिशन होता है तो शरीर जब कुछ इन्फेक्शन होती है तो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है उससे लड़ने के लिए, तो ये एंटीबॉडी प्रोडक्शन भी कम हो जाता है। साथ ही में जो हमारा स्किन है, जो हमारे पूरे अंदर शरीर को ऑर्गन्स को ढके हुए है और विभिन्न ऑर्गन्स में म्यूकस मेम्ब्रेन है जो उस ऑर्गन को सुरक्षा प्रदान किए हुए हैं, मैलनरिश चाइल्ड में कुपोषित बच्चे में ये म्यूकस का जो सेक्रीशन है ये भी कम हो जाता है। म्यूकस की जो एक हेल्थ है वो खराब होने के कारण जल्दी से ही इन्फेक्शन उस म्यूकस मेम्ब्रेन से अंदर ऑर्गन में पहुंच जाती है और इलनेस को क्रिएट कर देती है। एक और उदाहरण हम देख रहे हैं कि मैलन्यूट्रिशन होने के कारण क्या होता है कि डाइजेस्टिव जो हमारा पाचन तंत्र है वो धीरे धीरे चलता है, धीरे चलने से खाना जो है वो धीरे धीरे ही हमारी आंतों में से गुजरता है। अब खाने में अगर यदि कोई वर्म कृमि इत्यादि हैं जो खाने के साथ अंदर चले गए हैं तो अब वो क्योंकि खाना धीरे जा रहा है तो कृमि को आंतों में घुस के बैठ जाने का ज्यादा मौका मिल जाता है और पेट में कीड़े होने का चांस जो है वो और ज्यादा बढ़ जाता है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं और फिर ये दोनों जो इन्फेक्शन है और मैल न्यूट्रिशन है इसने हमारा न्यूट्रिशनल स्टेटस को प्रभावित करेगा। इन्फेक्शन के कारण खाना कम खाएंगे। और एक और बात है कि हमारे देश में हम ऐसी ऐसी गलत मान्यता है कि जब बच्चा बीमार है उसका खाना कम कर दो। हम ऐसा भी करते हैं कि खाना कम नहीं करना है, उस समय उचित खाना देना है। तो जब हम खाना कम कर देते हैं तो ऑलरेडी कुपोषित बच्चे का स्तर जो है और भी कम हो जाता है। इन्फेक्शन से एक तो हमने खाना कम कर दिया, दूसरा क्या हो रहा है, इन्फेक्शन से ऑलरेडी खाने के अंदर जो पोषक तत्व हैं उनका अब्सॉर्प्शन जो है वो कम हो रहा है। वैसे तो जो है फॉर एग्जांपल डायरिया मीजल्स या कोई हमारे को श्वास संबंधी कोई खांसी जुकाम है तो हमारा हर न्यूट्रिएंट का अब्सॉर्प्शन जो खा भी रहे हैं उसका केवल 60% या 70% ही होता है। तो वैसे भी हम देख रहे हैं कि जो हम खा रहे हैं कम, अब उस पे से यूज कम हो रहा है और प्रोटीन इत्यादि जो है वो बॉडी से भी बाहर निकल जाते हैं। एक उदाहरण हमने टेक्स्ट में बताया है कि किस प्रकार मीजल्स जो बीमारी है, जो एक वायरल इन्फेक्शन है, इससे किस प्रकार न्यूट्रिशनल स्टेटस गिर जाता है। तो इस बीमारी के अंदर बुखार होता है और स्किन रैश होता है, अक्सर ये 1 साल से कम बच्चों को बहुत जल्दी हो जाती है। ये होने पे अब्सॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट जो बच्चा खा रहा है या दूध पी रहा है उसका न्यूट्रिएंट इनटेक बहुत कम हो जाता है और क्योंकि उसके कारण अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो गई तो अंधापन हो जाता है। एटलीस्ट मामूल और कुछ हो ना हो बच्चा वीक और पतला सुकड़ा सा लगता है और बहुत ही उसमें बेजान सा लगता है और बच्चे की किसी भी इन्फेक्शन को फाइट करने की एबिलिटी रुक जाती है। साथ ही में डायरिया या सिवियर रेस्पिरेटरी डिजीज भी हो सकता है। हाँ जी अमृत सर बताएं। मैंने पूछना था जैसे कई बार आपका प्रोग्राम जो मिस हो जाता है किसी कारण नहीं देख पाते रात को, तो मैडम 8 से 10 दोबारा टेलीकास्ट होता है। अगर 3 से 4 था तो 8 से 9 आएगा और अगर 4 से 5 था तो 9 से 10 आएगा। आप देख सकते हैं आपका प्रोग्राम यूट्यूब पे नहीं अपलोड होते? सुना है मैंने कि कुछ लोगों ने यूट्यूब पे डाल दिया, आप देख सकते हैं टाइप करके। नहीं, जितने अपने आपके पिछले भी प्रोग्राम वो सभी आएंगे जो हमसे मिस हो गए हैं। हाँ आते हैं और वेबकास्टिंग भी होती है प्रोग्राम की, आप ऑनलाइन देख सकते हैं वेबकास्ट प्रोग्राम। हाँ जी मैम, कई बार होता ना मतलब नेट की प्रॉब्लम कारण नहीं चल पाता प्रोग्राम ना। राइट। तो ज्ञान दर्शन चैनल आप लीजिए ना, ज्ञान दर्शन चैनल तो आप अपने टीवी के केबल ऑपरेटर को लगवा लीजिए अगले 6 महीने के लिए, मेरे ख्याल में तो फ्री चैनल है आपको केबल। मैम वो तो लगा हुआ, कई बार अर्जेंट काम पड़ जाता है मिस हो जाता है। करेक्ट मैडम, एक चॉइस है रात को 9 से 10, तीसरा चॉइस है यूट्यूब, चौथा चॉइस है वेबकास्ट। डायरिया से क्या इफेक्ट हो सकता है देखते हैं, इन्फेक्शन डायरिया से न्यूट्रिशनल स्टेटस पे। तो डायरिया से जो आपका अक्सर डाइट पे तो प्रभाव पड़ेगा ही क्योंकि फीवर है और वॉमिटिंग भी है, फूड इनटेक रिड्यूस है क्योंकि सारा खाना तुरंत ही निकले जा रहा है क्योंकि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में आंतों में रह नहीं रहा उतनी देर तक, तो अब्सॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट भी कम हो रहा है और जो स्टूल निकल रहा है उसमें हमारे कई मिनरल निकल जा रहे हैं, सोडियम पोटेशियम निकल जाते हैं बॉडी से, इसके कारण वेट लॉस हो जाता है और पुअर न्यूट्रिशनल स्टेटस है। तो कुल मिलाने के बाद जो हम जी बताएं, हाँ जी कॉल आप पूछिए, आप जो पूछ रहे हैं। हाँ जी मध्य प्रदेश पूछिए। हाँ जी मैं ये बोल रहा हूँ कि मेरा जो
मैंने पिछले साल डिप्लोमा किया था DEC, उसका अभी तक मुझे मार्कशीट अवेलेबल नहीं हो पाया है। मार्कशीट अवेलेबल नहीं हो रहा? आपने सारे कंपोनेंट्स कर दिए, प्रोजेक्ट वर्क कर दिया है क्या? यस मैम, मुझे ग्रेड कार्ड अवेलेबल हो चुका है, मुझे लास्ट अगस्त में 25 अगस्त को मुझे अवेलेबल हो गया, बाकी अभी मार्कशीट अवेलेबल नहीं हो पाया है। आप इग्नू के वेबसाइट पे स्टूडेंट इवैल्यूएशन डिवीजन का नंबर देख के वहाँ पे फ़ोन करें। ऐसा कोई कारण नहीं है कि नहीं होना चाहिए, कोई रीज़न रहा होगा या हो सकता है अभी तक आपके सारे चीज़ें चेक ना हुई हो, ये भी हो सकता है। स्टूडेंट इवैल्यूएशन डिवीजन से संपर्क करें। आप स्टूडेंट इवैल्यूएशन डिवीजन में फ़ोन करके पूछें, ये मेरा विभाग नहीं है, मैं तुरंत ही तुरंत आपको जवाब नहीं दे पा रही हूँ। आप इसलिए स्टूडेंट इवैल्यूएशन डिवीजन, जिनका ये विभाग है, वो आपको गहराई से आपके फोन पे आपको जवाब दे पाएंगे। जी हैदराबाद, यस हैदराबाद, प्लीज कम इन। या गुड इवनिंग मैम। हाय, गुड इवनिंग मैम। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ BC1 यू, गुड इवनिंग मैम। मैम Yeah, speak. Ma'am, after completion of the DCA1, you said that you'll scroll all the slideshows. Yeah, just give me some time, you know, it takes a bit of a time. I have to send it to that department, that department will upload it. Just give it 3-4 days. If still it is not uploaded, then we will talk. Okay, it takes a bit of a time. So let's come to the next unit, which is the concept of health. So over here we will understand that the word health has different interpretations aur iske jo vibhinn dimensions hai iske bare mein hum baat karenge. We will try to understand that health is a relative concept, yani ki aisa nahi hai you are either you are well or you are unwell, it is relative, sapekshik hai. Health ke kya, health kin kaun se wo factors hain jisko health nirdharit karte hain, ye padhenge hum. और बच्चे के स्वास्थ्य के लिए एक गुड हेल्थ क्यों आवश्यक है, इसके बारे में जानकारी लेंगे. तो अक्सर तो हम हेल्थ को ये समझते हैं कि बीमार नहीं है तो वी आर हेल्दी, दैट इफ यू आर नॉट इल वी आर हेल्दी. तो ये एक बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ है जो मेडिकल नॉलेज से उभर के आया है. अब इसमें ये प्रॉब्लम है, अगर हम केवल एब्सेंस ऑफ डिजीज देखें तो अगर हम देखें मैल न्यूट्रिशन, उस एक तरीके से कोई कुपोषण कोई बीमारी नहीं है, तो क्या हम कहेंगे कि बच्चा हेल्दी है? एक्चुअली हम कहेंगे नहीं. एक और देखें, अगर हम ड्रग अब्यूज, कोई ड्रग्स लेता है तो उसको कोई बीमारी है? नहीं, बीमारी तो नहीं है. तो क्या हम कहेंगे कि वो हेल्दी है? वो भी शायद हम नहीं कहना चाहेंगे. मेंटल इलनेस अगर हम देखें तो व्यक्ति को मेंटल इलनेस है, परंतु वो बीमारी है क्या? नहीं, बीमारी तो नहीं है वो. तो हेल्थ को केवल एब्सेंस ऑफ डिजीज कहने काफ़ी नहीं है. कोई व्यक्ति मन से खुश नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, बस दुखी रहता है, अनहैप्पी रहता है, लुक फॉरवर्ड नहीं करता है लाइफ को, तो क्या हम कहेंगे कि वो हेल्थी है? नहीं. परंतु अगर हम केवल हेल्थ को एब्सेंस ऑफ डिजीज के रूप में देखते हैं तो फिर हम देखते हैं कि हेल्थ थोड़ा सा लिमिटेड है कॉन्सेप्ट. तो हमें हेल्थ की डेफिनेशन को थोड़ा बढ़ाना है, केवल एब्सेंस ऑफ डिजीज करके ही नहीं हम रख सकते हैं. तो इसीलिए अगर हम देखें कि हमें हेल्थ के अंदर एक इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, यानी कि जो हमारा, हम जहाँ रह रहे हैं, हमारा जो आसपास का भौतिक वातावरण है, जो हमारी एनवायरमेंट है, जो हमारा परिवेश है, इकोलॉजी से हमारा वही मतलब है, उसको भी हमें जोड़ना है. क्योंकि हेल्थ जो है वो तब सुनिश्चित होती है जब मनुष्य अपने आसपास के एनवायरनमेंट के साथ एक इक्विलिब्रियम में लेके चलता है. जब हम अपने आसपास की एनवायरनमेंट से मैल एडजस्टमेंट कर लेते हैं तो हेल्थ का नुकसान होता है. मैल एडजस्टमेंट से हमारा क्या मतलब है? फॉर एग्जांपल, हमने अब देख रहे हैं इतना जो हमारा क्लाइमेट चेंज है, इसका काफ़ी हद तक कारण है डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट्स. सो जब हमने अपना इकोलॉजी, यानी अपने आसपास का परिवेश के साथ जो हमारा इक्विलिब्रियम था, उसको जब हमने खराब, नष्ट कर दिया, तो हमारी हेल्थ के ऊपर क्या इम्पैक्ट हुआ? तो हेल्थ को केवल हम एब्सेंस ऑफ डिजीज देख के ही नहीं चल सकते हैं मनुष्य शरीर में. हेल्थ एक हमारी पूरी, जो हमारा परिवेश है उसके साथ उसका रिलेशनशिप है. इसी प्रकार अगर हम देखें कि साइकोसोशल कॉन्सेप्ट भी हेल्थ का है, जैसे मैं कह रही थी, अगर कोई व्यक्ति मन से दुखी है तो क्या हम उसे कहेंगे कि वो स्वस्थ है? इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं हेल्थ में, और हमारे कई सोशल कस्टम्स और प्रैक्टिसेस हैं जो इंडिविजुअल की हेल्थ को प्रभावित करते हैं. तो हमें हेल्थ को एक होलिस्टिक, एक समग्र दृष्टिकोण से देखना है,
हमें यह समझना है कि हेल्थ का मतलब है व्यक्ति का, व्यक्ति की वेलबींग, व्यक्ति सही है, उसका एक सही बॉडी में एक साउंड माइंड है, एक सामाजिक परिवेश ऐसा है जो पूर्ण रूप से संपूर्ण और स्वस्थ है, और आसपास का भौतिक एनवायरनमेंट जो है वो अच्छा है। तो हम देख रहे हैं कि जो हमारे हमारा पूरा जो हमारे पुराने ट्रेडिशंस थे जिसमें पूरा होलिस्टिक हेल्थ को दिया गया था और केवल एक डिजीज फ्री बॉडी की बात नहीं करी थी। हेल्थ इज अ साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी। जो डिजीज है वो केवल बॉडी को देखता है, पर हम यहाँ पे साउंड माइंड, साउंड एंड हैप्पी मेंटली एंड साइकोलॉजिकली वेल एडजस्टेड फैमिली एंड नेबरहुड एंड अ गुड फिजिकल एनवायरनमेंट, इन तीनों चीजों को देख रहे हैं। WHO ने भी अपनी हेल्थ की डेफिनेशन एक्सपैंड करी है और इसको कहा है कि हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मियरली एन एब्सेंस ऑफ डिजीज। केवल डिजीज नहीं है, हम उसको हेल्थ नहीं कहेंगे, बंदे को हर तरीके से ठीक होना चाहिए। अब इसमें कुछ एक लोग ये कहते हैं कि प्रॉब्लम यह है, किसी की मेंटल और सोशल वेलबींग कैसे मेजर करें? तो मेजर तो नहीं कर सकते, परंतु कुछ आयाम हमारे पास हैं और इस और उसके बारे में आगे हमने यूनिट में बात भी करी है। और एक और बात यह है कि हेल्थ जो है यहाँ पे कहा गया है स्टेट, तो ऐसे लगता है कि कोई व्यक्ति एक बार हेल्दी है तो अब वो हमेशा हेल्दी रहेगा, तो ऐसा नहीं है। ये इस डेफिनेशन का क्रिटिसिज्म है कि हेल्थ स्टेट नहीं है, परंतु इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ कंटिन्यूअस एडजस्टमेंट। कई बार मैं हेल्दी हूँ, मेरी हेल्थ बढ़ती रह सकती है, कई बार उसमें गिरावट आ सकती है, वापस फिर दोबारा से वो मैं हेल्दी हो सकती हूँ। और ये केवल डिजीज़ की बात नहीं मैं कह रही, मैं ये नहीं कह रही मुझे कल बुखार आया और अब मैं परसों ठीक हो गई तो मैं हेल्दी हो गई, नहीं। अब मेरा लॉन्ग टर्म साइकोलॉजिकल वेलबींग भी है, वो भी इसमें इंक्लूडेड है। तो हेल्थ इज़ नॉट सिंपली अ स्टेट, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ कंटिन्यूअस एडजस्टमेंट। हमारी वातावरण बदल रहा है, हमारे डिमांड्स ऑफ लाइफ हमारे डिफरेंट स्टेज ऑफ लाइफ से डिपेंड कर रहे हैं, डिफरेंट आउटसाइड एनवायरनमेंट से डिपेंड कर रहे हैं, तो इन सब के साथ सामंजस्य स्थापित करना इज व्हाट वी मीन बाय हेल्थ। कई लोग ये भी कहते हैं कि WHO का तो ये बड़ा एक आदर्श गोल हो गया है, हम सब क्या इतने हेल्दी हो सकते हैं? परंतु पॉइंट ये है कि शायद हम हर वक्त हेल्दी नहीं रह सकते, परंतु हमारा दृष्टिकोण पॉजिटिव हेल्थ की तरफ होना चाहिए। हम सबको अपना नज़रिया जो है उस तरफ करना चाहिए और अपने आसपास के लोगों को भी इसी ओर प्रेरित करना चाहिए कि सब साइकोलॉजिकली मेंटली सोशली हेल्थ में रहें। तो इसी बात को कंक्लूड करते हुए हमने आगे यूनिट में कुछ आयाम बताए हैं कि फिजिकल हेल्थ आप कैसे पहचान पाएंगे। ये हमने उसके स्किन, स्कैल्प, आईज, वेट, मसल्स, बॉडी मूवमेंट्स, इस अगर व्यक्ति खाना अच्छी खा रहा है, सो पा रहा है ठीक तरह, ये आपका फिजिकल हेल्थ बताएगा। इसी प्रकार मेंटल हेल्थ हमारा पता चलेगा कि आपके व्यक्ति जो है वो अपने कॉन्फ्लिक्ट्स जो है रिजॉल्व कर पाता है, डिसीजन ले पाता है, कॉन्फिडेंट है, अपनी गलतियां देख पाता है, अपने सेल्फ एस्टीम है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले पाता है, अपने आप को हमेशा नकारता नहीं है, सिचुएशन को हैंडल कर लेता है विदाउट गेटिंग अपसेट, ये सब मेंटल डायमेंशन दिखाता है, अपनी इमोशंस पे उसके कंट्रोल है इत्यादि। और मेंटल हेल्थ और फिजिकल वेलबींग दोनों रिलेटेड हैं। कई बार जब हमारा फिजिकल स्वास्थ्य ठीक नहीं होता तो हमारे मानसिक स्वास्थ्य पे असर पड़ता है, और हमारा मानसिक रूप से कई बार हम दुखी हैं तो हमारे फिजिकल हेल्थ के ऊपर भी उसका असर पड़ता है। तो आज हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं, ये लगभग यूनिट खत्म है, परंतु कल इसी के बचे हुए कॉन्टेक्स्ट से शुरू करते हुए हम ब्लॉक 2 के ऊपर जाएंगे और कल फिर मिलते हैं 4 से 5।